ये लोग भी ऐसे खोद निकले आए खेत को। बैल नहीं मिले तुम्हें? इसको बोलते हैं दंदोला। धूप लग रही है, धूप लग रही है। ये वाला भी यहाँ पे भी बो रहे हैं और ऊपर भी देखो वो भी चाचा जी बो रहे हैं। दोनों चाचा जी हैं मेरे। उधर कोई मुर्गी चल रही है और इसके साथ है चार आठ आठ बच्चे शायद नौ 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 बच्चे इसमें। कितने क्यूट लग रहे। ऐसे हमारे भी हो रखे हैं। मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं कहीं, तो दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और हम भी मस्त हैं। अभी देखो बैल बनने का टाइम आ गया है। ये देखो इसको हम खेत में लगाएंगे और यहाँ पे चल रही है खेती। इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, देखो खेत बोए हुए हैं लेकिन अभी ऐसा है कि इधर जो है गेहूं बोए थे जो कि हुए ही नहीं बिना बारिश के। ऊपर गांव काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से और पीछे जो है खेत बोए जा रहे हैं। और ये देखो मैंने जो रखा हुआ है ना पीछे, इसको मैं खेत में ले जाने वाला हूँ आज, क्योंकि बैल बनने का टाइम आ गया है। और जो है इधर तो गेहूँ हुए नहीं तो लोग इधर जल्दी जो है बोने लग गए क्योंकि, और जब बारिश का वेट कर रहे थे और बारिश हुई तो छप्पर फाड़ के। आजकल बारिश हो रही है रोज़ शाम को, अभी तक मतलब 25 तारीख से जब से हम कोटदार से घर आए तब से बारिश ही बारिश हो रही है। इधर के खेत पूरे बोए देखो, इधर भी और इधर भी। आज मैं बनने वाला हूँ बैल। चले किलो क्या करना चाहिए? खंड ले दी, खंड खड़ा चाहिए तुम? बाड़ा खड़ के गोडला खड़े अभी तो बोते नहीं ना। ये लोग भी ऐसे खोद निकले आए खेत को। बैल नहीं मिले तुम्हें? किले उपहार चेहरा नहीं दिखाने देगी रुचि डेर लगने क्या? किले किले लगने डेर। ये देखो कैसे खोद रही है, कहा तो खोदन तुम खेत उफारो है कुछ यू वाली क्या अस्यू यू तुम लोग खोदे तले तुम्हारी से। कल इन लोगों ने ये वाला खोदा और आज इसको खोदने वाले हैं ये दोनों बहनें। और हमारा खेत भी सामने है। अभी कड़कती धूप पड़ने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि अभी टाइम तो 9 बज रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ धूप पड़ेगी। और उनके सामने हमारा भी खेत है, हमने यहाँ पे मिर्च बोए थे, देखो मिर्च बोए थे। और बैल मिलने की काफ़ी समस्या है, अब तो गाँव में बैल नहीं मिलते, गांव में बैल नहीं मिलते। और देखो है ही नहीं बैल, किसी के पास है लेकिन फिर देने में फिर मांगने में जो है थोड़ा झिझक सी हो जाती है, काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। वो वाली रोड पक्की हो गई कोटा वाली पूरी, काफ़ी अच्छी रोड बनी हो, आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी अच्छी रोड बनी है, पक्की हो गई कोटा तक और शायद जल्दी डिसौनी तक पहुँच जाए। नज़ारा दिखाते हैं आपको इधर के लिए कि आस पास हमारे कौन कौन से गाँव हैं इधर के लिए कोटा साइड। वो देखो उधर है डिसवाणी गांव, ऊपर वो हल्का सा दिख रहा है, वो है बुढ़िया गांव बोलते हैं उसको, वैसे मुझे नाम नहीं पता कि असली नाम क्या है। और ये नीचे रोड, तो ये है कोटा गांव। और ये रोड देखो पक्की बन गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, यहीं से आप देख लो काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर लैंगल दुनाव जा रही है ये रोड, ये तल्ला थापला और उधर लैंगल वो दिख रहा है। अभी एक दो महीने पहले मैंने ये वाला खेत बोया था तो इसमें मैंने मिर्च बोई थी और उस वाले साइड बो दिया था, उस वाली खेती बोई थी और इस वाले खेत में भी आए थे, लेकिन बाकी जो सारे खेत है इधर जो है अभी बोए नहीं है, आजकल बो रहे हैं लोग और इसमें हमने पहले ही बो दी थी। तो गेहूं तो हुए नहीं और बारिश का वेट सबको था और आजकल बारिश हुई तो फिर छप्पड़ फाड़ के ही बारिश हुई। मैं तो कोटा तक ही बोल रहा था लेकिन वो रोड डिसौड़ तक बन गई यार। वो देखो जो काले कलर की पट्टी दिख रही है रोड पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ तक दिखाई दे रही है, वहाँ तक उधर इधर इसी के पल्ली साइड डिसवाणी गांव, पाली के गांव के उस तरफ खेत में। तो आज मैं बनने वाला हूँ बैल। ये देखो इसको खींचना है ऐसे ही, सेम ऐसे रह गए,
पीछे से मम्मी ने पकड़ना है और मैंने, इसको बोलते हैं दंदोला। ये इसको, ये हैंडल है, यहाँ से इसको पकड़ने का ये हैंडल, और आगे से बैल वाला जो रहता है उसको लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बैल नहीं है। ऐसा नहीं है, हाथ से ही खींचेंगे। तो हम जो है रस्सी नहीं लाए, मम्मी बोल रही कि रस्सी लाते, तो मम्मी यहाँ से पकड़ेगी, ऐसे 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 पकड़ेगी और मैं यहाँ से खींचूँगा। तो मैं क्यों लगाते इसको खेत में? अच्छा, जो घास वगैरह रहती है फालतू की वो निकल जाती है इससे, और फिर जब गुड़ाई करते हैं, जब महिलाएं खोदते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके, पूरा जो कचरा होता है उसको निकाल देते हैं, और फिर इसमें मिर्च वगैरह सब दिखेंगे, और जो कचरा होगा सब एक साइड कर देंगे। फोन यहाँ पे अटक गया है, और वो देखो मम्मी तैयार है, तो मैं भी जा रहा हूँ। और सभी फ्रेंड्स को हैप्पी मदर्स डे। मम्मी से प्यार कीजिए, मम्मी के साथ खुश रहिए, मज़े इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी के साथ जितना टाइम हो सके स्पेंड कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता फिर बाद में। तो चलिए। ये चोले होते हैं अक्सर जो है हल पे और सब कुछ पे लगाने पड़ते हैं ये, जिससे कि टाइट हो जाए और फिर खुले ना। और पता है ये हैंड से बनाया हुआ है, पुराने लोग काफ़ी कारीगर होते थे पहाड़ों में। ये देखो, ये गोल सा किया और इस पर छेद से किया, और ये लकड़ी डाली ये वाली, और नुकीली किए नीचे से जिससे कि अंदर बैठ जाए, और ये हैंडल ऊपर का, ये तो मैंने बनाया ये वाला, ये पहले से बना हुआ है। ये अपने पहाड़ों में मिलने वाला एक छोटा सा कीड़ा आजकल, जिसे बोलते हैं चिलगट, काफ़ी शानदार दिख रहा है, छोटे से छेद के अंदर गया हुआ है। डर गया डर गया डर गया डर गया, एकदम जंप खाता है, पता है, बहुत पसीना आ गया। बैल बना दिया उन्होंने, बैल के लिए पिंडा कहाँ है? हाँ, पिंडा नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है बैल के लिए, खाली पीना है। बैलों का काम अपने आप को करना पड़ रहा है, इसको खींचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी दो खेत ना, दो दो खेत और है उस साइड को है, वो इधर साइड को नहीं है। काफ़ी थकान लगने वाली है आज, तो ऐसे काम होता है पहाड़ों में, खेती ऐसे होती है। वैसे होने वाला इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो हो जाएगा, इसमें मेहनत कर रहे हैं इसमें, क्योंकि मिर्च होंगे इसमें, और फिर वैसे मिर्च का भाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अच्छी बात है। तो मिर्च की खेती करना मैंने आपको पहले बताया था, अच्छी बात है पहाड़ों में, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, बंदर सुअर सब कुछ खा दे रहे हैं, मिर्च के अलावा किसी की खेती यहाँ पे हो नहीं पा रही है, अब किसी भी चीज़ की खेती नहीं हो पा रही है, ऐसे लकीरें पड़ गई है इसमें। और फोन पकड़ने के लिए कोई आया नहीं, भानु भी नहीं आया ऊपर से फ़ोन पकड़ने के लिए, तो मैंने फ़ोन वहाँ पर अटका दिया था वहाँ पर। और आज है मदर्स डे, तो मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है ना, है ना मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। मम्मी की हेल्प करो, इससे अच्छा पुण्य का काम आपके लिए कोई नहीं हो सकता, मम्मी की हेल्प करो, मम्मी को प्यार करो बस, तो काफ़ी अच्छी बात है। दोनों बहनों ने इतना खोद दिया, देखो डर क्यों रहा है तुम, हेलो तो कर दे किल्ली किल्ली, ऊपर अपना गांव। और परसों शादी वहां पे थी, उस वाले घर में, सबसे बड़ा घर है अपने गाँव का। किल्ली धूप लग रही है, धूप लग रही है, डर क्यों रही है? अभी काफ़ी तेज धूप पड़ रही है, तो दूसरे खेत में चलते हैं उस साइड को, उधर के लिए। वो देखो उधर लोग हल लगा रहे हैं, और हम दूसरे खेत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, हा, हा। जैसे बैल हकाते ना हम, तब करते हैं, हा, हा। दो दो बो। मौसम का सुहाना हो रखा है, अभी कड़कती धूप पड़ रही है, लेकिन आसमान साफ है, और एकदम चेंज हो जा रहा है मौसम आजकल, कभी बारिश का तो कभी धूप का, कोई पता नहीं। यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है,
आजकल वैसे भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है यार, लोग यहाँ पेड़ गिरा रहे हैं। पेड़ गिरा हुआ है, यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और वैसे भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है शहरों में, और अपने उत्तराखंड में तो देखो हरे हरे पेड़ है, शुद्ध हवा है, शुद्ध ऑक्सीजन। तो यहाँ से ले जाओ ऑक्सीजन भर भर के। और पेड़ काट रहे हैं लोग, तो गाना याद है ना आपको, ना काटा तो डालियो डालियो न काट दी दो डालियो न काटा। जम रखी है मिर्च हल्की फुल्की। ये दूसरे वाले साइड आ गए हम, और वो देखो उधर खेती चल रही है, लोग बा रहे हैं, खेतों को बो रहे हैं। गांव के नीचे वाली खेती है वो, उस तरफ की थी तल्ला थापल साइड की। चहल पहल हो रखी है आजकल तो खेतों में। ये देखो लोगों ने इधर भी छोड़ रखा था, तो इधर भी बोया और उस साइड भी बोया, अब दोनों साइड बो रहे हैं। अभी ये वाला खेत रह गया है, ये वाला यहाँ तक, इसको तब लगाते हैं। पहले हम खेत बोते हैं, और जब बीज हमारा इतने इतने पौधे हो जाते हैं उसके, उसके बाद देते हैं। और जो फालतू का घास वगैरह होता है वो निकल जाता है इससे, और फिर गोड़ने में आसानी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वाला खेत एकदम मस्त हो रखा है, सबसे मस्त हो रखा है ये वाला खेत। अब यही रह गया है बस, ये देखो ये वाला भी यहाँ पे भी बो रहे हैं, और ऊपर भी देखो वो भी चाचा जी बो रहे हैं, दोनों चाचा जी हैं मेरे। और उधर कोई कुदाल से खोद रहे हैं, और उधर भी हर तरफ आजकल जो है चहल पहल हो रखी है खेतों में, बवाई चल रही है। ऊपर देखो बो रहे हैं, पसीना हो गया, काफ़ी धूप लग रही है। अब ये वाला खेत रह गया बस, वो वाला थोड़ा छोटा था उसमें टाइम नहीं लगा, और इस वाले में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आजकल आपको खेतों की वीडियो मिलती रहेगी, पहाड़ों की सुंदर सुंदर वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ठोक देना, जो भी देख रहे हैं कमेंट और लाइक जरूर ठोकना, शेयर कर दो।